हाँ चलो शुरू करो। अभी देखिए दयाशंकर सिंह के लिए, हनुमान जी के लिए इन्होंने किस तरीके से प्रसाद वगैरह ये देखिए चढ़ा के उन्होंने इसलिए लाया कि कैबिनेट मिनिस्टर बने दयाशंकर सिंह, उसको लेकर ये आज देखिए किस तरीके से मिठाई वो खिला रहे हैं। थोड़ा सा तो अब देखिए किस तरीके से मिठाई खिला रहे हैं वो इसलिए कि दयाशंकर सिंह को लोग योगी सरकार में मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हो, अभी कैबिनेट मिनिस्टर, उसको लेकर किस तरीके से प्रसाद, हनुमान जी का टीका, लड्डू और आप देखिए श्री रामचंद्र का ये वस्त्र, आज दयाशंकर सिंह के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है, कितना आशीर्वाद लोगों को दे रहे हैं। अभी कल ही आप बलिया से आए, आज लखनऊ में हैं, जैसे ही समर्थकों को पता चला, उनके लोगों को, शुभचिंतकों को यहाँ मौजूद हैं, दयाशंकर सिंह की आवाज़ पे देखें किस तरीके से लोग बधाई दे रहे हैं। जी सर, आप बलिया से, सर एक सेकंड मैं आप समझ लूँगा, नेताजी बलिया से कब लखनऊ पहुँचे? बलिया से कल 9:30 बजे चले जी, और यहाँ कल 5 बजे पहुँच गए थे। और आज का क्या प्रोग्राम है सर नेताजी लखनऊ में, खास तौर पे बड़ा है कि कब तक लखनऊ से दूर रहे, खास तौर पे बलिया में कितने दिन बाद आए लौटे आप यहाँ? मैं पिछले 9 तारीख को गया था और 12 तारीख को आया, करीब एक महीना 2-3 दिन या बलिया में रहा जी। और बलिया में भी बहुत मैंने इतना प्यार मिला कि मैं उसको जो है जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। तो आज कितने बजे आप सुबह उठे तो फिर पहला आपने क्या देखा यहाँ पे? कुछ नहीं, सुबह से उठा, उसके पहले ही लोग आए हुए थे, सबसे उसी समय से मिल रहा हूँ लोगों से। और क्योंकि बलिया और लखनऊ दोनों मेरे लिए जो है उतने ही वो है, क्योंकि 16 साल तक मैं अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा बलिया में पूरा किया, और 16 साल के बाद पूरी शिक्षा और उसके बाद राजनीति लखनऊ में भी हुआ, तो बलिया और लखनऊ मेरे लिए दोनों ऐसे लगता है कि दोनों मेरा घर है। जब लखनऊ कल मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से, आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से स्वतंत्र देव जी से हुई है क्या? मैं कल सबसे पहले, अभी तो मैं अपने घर भी नहीं आया था, अभी रास्ते में ही था, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सूचना प्राप्त हुई तो मैं सीधे मुख्यमंत्री आवास गया। फिर उसके बाद जो है कुछ मंदिरों में दर्शन करने गया था, हनुमान क्षेत्र से लेकर के कई जगहों पे जो मैं पहले ही भी जाया करता था। उसके बाद फिर अपने सभी कार्यकर्ताओं से, मैंने जब मैं आया तो रास्ते में ही कार्यकर्ताओं को पता चल गया था, तो रास्ते भर ही जो है उन लोगों ने जो स्वागत, करीब 3-4 घंटा मैं अपने समय से ज़्यादा देर से पहुंचा, क्योंकि रास्ते भर कार्यकर्ता जो है हाईवे पर जो है पहुंच गए थे, कितने कार्यकर्ता, बहुत उत्साह है लोगों में, बलिया के लोगों में, तो भाई उन्होंने भाई मुझे प्रतिनिधि बनाया है, उनका तो उत्साह तो लाजवाब है, लेकिन लखनऊ के लोगों में भी उत्साह जो है उसी तरह से है, जैसे लगता है कि मैं यहाँ का भी प्रतिनिधि हूँ, इस तरह से लोगों ने कल सम्मान दिया। सर आज का प्रोग्राम क्या, पूरा दिन का प्रोग्राम? आज कुछ नहीं, अपने कुछ संगठन के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करनी है और कार्यकर्ताओं से मिलना है, और मैंने लखनऊ के कार्यकर्ता सुबह से ही आ रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है और उनका प्यार मिल रहा है मुझे, मैं उन लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद, सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हूँ आज उनके कारण हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दयाशंकर जी से बात हुई, कि उन्होंने कहा कि लोगों कार्यकर्ताओं का प्यार सम्मान आशीर्वाद मैं ग्रहण कर रहा हूं, कोई हनुमान जी के दर्शन करने के बाद उनसे मिल रहा है, कोई दुर्गा जी का दर्शन करने के बाद मिल रहा है, तमाम आप भीड़ देख सकते हैं। ये उनका पुराना आवास है जो काफ़ी चर्चित आवास है, इस एरिया के लोगों यहाँ पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के हर जनपदों से लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं भीड़। तो फिर मैं आपसे जुड़ूंगा, अब तक मैं लखनऊ में हूँ, रोशन जायसवाल नमस्कार, फिर आपसे जुड़ेंगे।